भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना साकार होता नजर आ रहा है। एक वैश्विक रिपोर्ट में कहा गया कि आने वाले 26 सालों में वे देश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं होंगी जो आज उभर रही हैं। रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संस्था PwC ने साल 2020 में द वर्ल्ड इन 2050 रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट में कहा गया कि विकासशील अर्थव्यवस्थाएं अमेरिका, जापान और जर्मनी जैसी अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ देंगे। रिपोर्ट में 2016 और 2050 की तुलना में डेटा पेश किया गया था। रिपोर्ट में यह अनुमान जताया गया था कि चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया और ब्राजील 26 साल बाद इकोनॉमिक सुपर पावर होगी। भारत, इंडोनेशिया और ब्राजील की अर्थव्यवस्था अभी उभर रही है जो 2050 तक सुपर पावर बनेगी। रिपोर्ट को विकासशील देशों के लोगों से बात करके तैयार किया गया है। लोगों से पूछा गया कि इन देशों में विकास के नाम पर जो बदलाव किए जा रहे हैं उनमें से उन्हें क्या लाभ मिल सक रहे हैं, इन देशों में रहते हुए उन्हें कैसा महसूस होता है और वे इस बारे में क्या सोचते हैं जो विकास के कार्य यहाँ किए जा रहे हैं उनके भविष्य में कैसा परिणाम हो सकता है। अब बताएं, सबसे पहले बात करें चीन की, तो चीन पहले से ही दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चीन का मौजूदा GDP $19,374 बिलियन है और यहाँ प्रति व्यक्ति आय $13,724 है। चीन में रहने वाले लोगों का कहना है कि पलक झपकते ही यहाँ नए नए इंडस्ट्रियल पार्क, शॉपिंग मॉल, रेस्तरा तैयार हो सकते हैं। रोवन कोहल ने कहा है कि जब 15 साल पहले वह यहाँ आए थे, जिस इलाके में रहते थे वो पूरी जगह एक खेत और दलदल थी, लेकिन आज उसका पूरा स्वरूप बदल चुका है। अब हम भारत की बात करें तो रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले 10 सालों में भारत विकास के बड़े बदलाव देखेगा। हर साल देश के GDP में औसतन 5% की बढ़ोतरी देखी गई है। इसके साथ भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत 2050 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी और विश्व की GDP में 15% हिस्सेदार हो जाएगी। एक भारतीय सौरभ जिंदल ने बताया कि 20वीं सदी में 21वीं सदी में शुरुआत होते ही मैंने अपनी आंखों के सामने बदलते हुए भारत को देखा है। सौरभ जिंदल ने कहा कि बढ़ती अर्थव्यवस्था से लोगों के जीवन शैली में कई गुना बदलाव आएंगे। शहर के स्वरूप से लेकर समाज नजरिया और देशवासियों के व्यवहार और बातचीत एक बड़ा बदलाव नजर आता है। अब बात करेंगे अमेरिका की, तो वर्तमान में $26,462 बिलियन की GDP के साथ अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यहाँ प्रति व्यक्ति आय $80,399 है। हालांकि 26 साल बाद अमेरिका चीन और भारत से पिछड़ कर तीसरे नंबर पर आ जाएगा। भारत अभी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों की लिस्ट में 5वें नंबर पर है, लेकिन 2050 तक यह दूसरे और अमेरिका पहले से तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगा। अब बात करेंगे इंडोनेशिया की, तो अगले 26 साल में इंडोनेशिया दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। हालांकि अभी इंडोनेशिया टॉप 10 इकोनॉमिक सुपर पावर में शामिल नहीं है। रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि 2050 तक चौथा नंबर पर आ जाएगा। वहीं अब बात करेंगे ब्राजील की, तो ब्राजील जापान और जर्मनी को पीछा छोड़कर ब्राजील 26 सालों में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। मौजूदा समय में जापान और जर्मनी तीसरे और चौथे नंबर पर है, लेकिन अनुमान जताया गया है कि अगले 26 सालों में ये दोनों देश टॉप 5 में नहीं होंगे। ब्राजील अभी $2,800 अरब की अर्थव्यवस्था के साथ 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस तरह की तमाम जानकारियों से रूबरू होने के लिए पंजाबकेसरी.com को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।